बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी हैव टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड सम टर्म्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक में हम उसको सम अप करते हुए सम ऑफ टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जिसमें हमने पहले बयान किया, तो इसमें ये होगा कि जो फोर्स आर और एफ़ के दरमियान जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये एक प्लेन क्रिएट करेंगे और इस प्लेन की नुमाइंदगी के क्रॉस एक और वेक्टर परपेंडिकुलर होगा जिसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ एक एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ फोकस करेंगे टॉर्क के ऊपर जो है दैट इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर सम ऑफ टॉर्क्स जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हों, चाहे वो क्लॉक वाइज हों चाहे वो एंटी क्लॉक वाइज हों, उनका एज ए होल बॉडी में कोई एक्सेलेशन प्रोड्यूस ना हो, तो हम कहते हैं कि समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। यानी अब हमारे पास दो कंडीशंस हो गई हैं, पहली कंडीशन में है कि सम ऑफ फोर्सेज इन समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी कंडीशन ये है कि सम ऑफ टॉर्क शुड बी इज इक्वल टू जीरो, यानी समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसको आगे हम लेके चलते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ आ जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको एक मैथमेटिकल टर्म में शो किया हुआ कि एफ इज इक्वल टू पी डॉट। ये डॉट जो है लेबनिज साइंटिस्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसको लिखने का तरीका डी पी ओवर डी टी है। पी क्या है? मोमेंटम, सारे जानते हैं। पी इज इक्वल टू एम वी, यानी अब मास कॉन्स्टेंट है और जो डिफ्रेंशिएटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ ऑन द वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल। तो इस इक्वेशन को हमें जहन में रखना पड़ेगा अपने इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब न्यूटन थर्ड लॉ है, सारे जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर, देर टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एफ वन जो है वो एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, और वो दूसरी बॉडी जो है एफ़ टू वो भी उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स पहले वाली बॉडी के ऊपर लगा रही है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम कहते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ उस चीज़ पे वैलिड हो गया है। तो माइनस साइन शो कर रहा है कि दोनों वैक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड हैं बट डायरेक्शन। इसी तरह से आप इसी इक्वेशन को न्यूटन थर्ड लॉ को अगर इन टर्म्स ऑफ सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्म में देखें, जो कभी हमने इक्वेशन डिवेल्प की है कि एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, तो यहाँ पे चूंकि एफ वन इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ टू था, तो उसको हमने उस टर्म्स के अंदर डी पी वन ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी पी टी डी पी टू ओवर डी टी की फॉर्म लिख दिया हुआ है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकली चेंज करते हुए उसको हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है, राइट साइड की टर्म को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है, और डी टी को कॉमन करते हुए हमने पी वन प्लस पी टू, यानी दोनों के मोमेंटम को हमने सम अप किया है और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो डेफिनेटली हम राइट साइड पे कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इंडिकेशन है, ये पी वन प्लस पी टू, ये शो कर रही है कि लीनियर मोमेंटम जो होंगे वो कंजर्व्ड होंगे। अगर हम अब मैकेनिज्म मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल को हम अंडरस्टैंड करना चाहें, तो उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसकी मास एम है और वो मूविंग विद वेलोसिटी वी है, और उस वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे किसी ऑब्जर्वेटरी स्टैंड से किसी पोजीशन वेक्टर आर पे मौजूद है, तो उस पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्वार्टीजन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस इक्वेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। सामने आपको लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर वी वेलोसिटी हो उस बॉडी की, तो उस वेलोसिटी को हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में यूँ लिख सकते हैं डी आर ओवर डी टी, यानी वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ हमने पोजीशन वेक्टर जाहिर कर दिया है, और पोजीशन वेक्टर का सहारा लेते हुए हमने उसी वेलोसिटी को उसको कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लिख दिया होगा। ये अगली क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे प्लस डी जेड ओवर डी टी के। आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आप समझते हैं कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के साथ अटैच होकर यूनिट वेक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वेलोसिटी के बाद जो अगला हमारे पास टर्म आती है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और इसी को आगे एक और टर्म में हम पोजीशन वेक्टर की सूरत में लिख रहे हैं। जब हमने सेकंड डेरिवेटिव
सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हुए पोजीशन वेक्टर को साथ में अटैच किया हुआ है। तो अब हमारे पास जो एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन बन रही है वो डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर एक्स एटा प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर जे प्लस डी स्क्वेयर जी ओवर डी टी स्क्वेयर के यू वेक्टर, यानी ये एक्सेलेरेशन को हमने लिखा हुआ है इस फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी की डिफरेंशियल कार्टेशियन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया और एक्सेलेरेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो अब हमारे पास लीनियर मोमेंटम को लिखने के लिए यानी कि उसको लिखने के लिए हमारे पास राह हमवार हो गई है। न्यूटन सेकेंड लॉ बराबर एम ए है, एक्सेलेरेशन अभी हमने लिखा है ऊपर इक्वेशन के अंदर, तो एम मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ दिस इक्वेशन यानी डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर ओटा प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर जी प्लस डी स्क्वेयर जेड ओवर डी टी स्क्वेयर के को साथ में टैग कर लिया हुआ है। तो ये फाइनल नीचे आखिरी जो इक्वेशन हमने बोली है वो एफ इजिकल एम ए की जगह पे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन साथ में लिखी हुई है। अच्छा, अब उसके साथ ही अगर हम मज़ीद देखें कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है, तो उस पर उसी तरह से हमारा सिस्टम जो हम डिफाइन कर रहे हैं उस सिस्टम को आगे लेकर चल रहे हैं। उस तरह से कि कोई पार्टिकल इसका मास एम है मूविंग विद वेलोसिटी वी या फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो उसका लीनियर मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं पी इज इक्वल टू एम वी। पी भी वैक्टर है और वी भी वैक्टर मैग्नीट्यूड्स हैं, और उसको हम लीनियर मोमेंटम की शक्ल में एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स हम पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट कंडीशंस वो ज़ीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्वड है, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उस चूँकि पहले ही पड़ा है, इसको थोड़ा सा फिगर के लिहाज से कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स वाई जी जो है ये ओ जो है ऑरिजिन है और ये हमारा ऑब्जर्वेटरी स्टैंड है जिससे हम किसी बॉडी एम को जो एक ख़ास फासले आर पे मौजूद है उसको हम अपने वेक्टर की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट है ओ से एम तक और ये बॉडी मूव कर रही है, जब मूव करेगी तो इसका मास भी है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम भी है। तो पी मोमेंटम से वो लॉन्ग ये ग्रीन कलर में आपको निशान नज़र आ रहा है नज़र इसमें मूव कर रही है। अब ये पोजीशन वेक्टर और पी वेक्टर चूँकि ये दोनों वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट से लिंक है तो इसका मतलब है कि ये एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं और प्लेन का यूनिट उप डायरेक्शन यूनिट वेक्टर उप की तरफ होगा और उसको हम एल से ज़ाहिर करेंगे। ये यहाँ पे इसको प्लेन को जरूरी होगा। इसी फिगर को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक और तरीके से यहाँ पे आप जरा देख सकते हैं, इसमें वही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अब वो जो पोजिशन जो एंगुलर मोमेंटम का एल कंपोनेंट था जो परपेंडिकुलर वेक्टर था वो इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे था, अब वो शिफ्ट करके जेड एक्सेस के लॉन्ग आ चुका है, इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कार्टेशियन लॉन्ग के आ चुका हुआ है। बात एक ही है क्योंकि ये इसकी ये सिर्फ नुमाइंदगी कर रहा है किसी प्लेन को कि प्लेन की डायरेक्शन इस तरफ को है। तो इसकी मैथमेटिकल क्वेश्चन यहाँ लिखी हुई है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस। अच्छा, अब हमारे एक्स स्लाइड जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम इसमें से जो पिछली टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारी जहन में है, तो अब हमें ये कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम समझने में मुश्किल नहीं इंशाल्लाह पेश आएगी। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है, तो अब हम जानते हैं कि टॉर्क जो है वो पोजिशन वेक्टर और फोर्स की के क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एम बराबर है एम में, न्यूटन सेकेंड लॉ है, और न्यूटन सेकेंड लॉ को हम उसको मास और वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं विद डिफरेंशिएशन इन डी ओवर डी टी के लिहाज से, तो आर क्रॉस डी ओवर डी टी एम वी। अब ये एम ओवर वी जो है ये एक्चुअली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है समझने, जब इस तरह से अगर जैसे हमारे पास ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डी ओवर डी टी और हमारे पास और दो वैल्यूज हों U डॉट V, तो हम इसको एक्सपेंड जब करते हैं उस प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं तो हम उसको इस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, इस सामने वो टर्म एक्सप्लेन की हुई है। अब ये जो R है R क्रॉस M dV ओवर dt प्लस V dm ओवर dt इस फॉर्म में आ चुका हुआ है, लेकिन ये dm ओवर dt जो है ये चूँकि वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब्दीली आएगी, ठीक है जी, पोजिशन के लिहाज तब्दीली आ सकती है, लेकिन ये मैथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कमी नहीं आएगी हमारे इस सिस्टम में जो हमारे हम सिस्टम हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जरा जो वाला फैक्टर है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये आप यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में
वो प्लस जीरो की फॉर्म में है आपका, तो रिमेनिंग जो पार्ट बन गया है वो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एम डी वी ओवर डी टी रह गया। अब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को भी अंदर ले जाऊं और मैं चूँकि कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको बाहर रखूं, तो हमारी इक्वेशन इस तरह से आ रही है एम डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे फिर वही दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है और डी ओवर डी के लिहाज से हम इसको एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस शक्ल में आ जाएगी जिस तरह से ऊपर हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ किया था, इस तरह से क्रॉस में किया है। अब चूंकि एम कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर लिखी हुई नज़र आ रही है, तो इसको मैं उस जगह पे साथ टैग करूँगा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है जहाँ पे वी वेलोसिटी होगी। तो आर क्रॉस डी ओवर डी टी एम वी प्लस डी आर ओवर डी टी क्रॉस एम वी आ गया। ये एम वी अब हमारे लिए कोई अननोन चीज़ नहीं है, ये एक लीनियर मोमेंटम है। तो आइए इसको इस जगह पे पी लिख लेते हैं। जब हम इसकी जगह पी लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, आर पोजिशन वेक्टर क्रॉस डी पी ओवर डी टी प्लस डी आर ओवर डी टी क्रॉस पी। अब ये जो इस चीज़ को लेफ्ट साइड को जो ऊपर टॉप की नज़र आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस पी, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि ये आर क्रॉस पी एल है, इसको मज़ीद इख्तसार से मकसद लिखते हुए ये पी वैक्टर यहाँ पर एल वैक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया इसको। अब अगर हमारे पास टोटल टॉर्क जो है जिसने पहले बात की है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फिट कर दें यहाँ पे, तो हमारे जो लेफ्ट साइड पे टॉ है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करने पे एल हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन शो करती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे।